जनरली मैं कैपेचिनो ही पीता हूँ, बट लेट्स हैव अ चेंज टुडे. नाइस व्यू. हाँ Yeah, it's very nice. I mean, I've come here for the first time and it's pretty good. First time? Yeah, uh-huh. It's like my second home. I think I always remember. Okay. Nice. Yeah, the cappuccino is very good, but you know, when we meet next time, we'll try. Okay, yeah. I'm so sorry, but you look gorgeous in this dress. Thanks. So generally, you wear aise kapde pehnti hain ya fir? Western. ऑफिस में भी वेस्टर्न है, ड्रेस कोड तो फिर वेस्टर्न ही होता है, और फिर घर जाके इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि कुछ और ट्राई करो, तो फिर नॉर्मल घर में. तो ऑफिस के बाद भी घर के कपड़े? हाँ, नॉर्मल वेस्टर्न. पर ठीक है, शादी के पहले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डोंट यू फील कि शादी के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये सब ड्रेसेस पहनना? नहीं, ऑकवर्ड एज इन कि जैसे यू नो, शादी के बाद कुछ लड़कियां मैंने देखी हैं स्कर्ट्स पहन के, जीन्स पहन के घरों पे घूमती हैं. आई मीन, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सास ससुर है घर पे, तो अजीब नहीं लगता? मतलब उनको टांगे थोड़ी दिखानी है अपनी, यू नो व्हाट आई मीन. बट एनीवेज, आई होप यू विल एडजस्ट. आई नो दैट यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. एनीवेज, हाउ इज योर जॉब? जॉब इज गोइंग रियली गुड. आई रिसेंटली गॉट अ प्रमोशन एंड सैलरी हाइक, तो मॉम डैड बहुत एक्साइटेड हैं मेरे फ्यूचर को लेके, एंड इवन आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत अच्छा ब्रेक मिला है मुझे. दैट्स गुड. आई मीन, कांग्रेचुलेशंस. बट यू नो, यू लकी एनफ दैट मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, तो ताकि तुम शादी के बाद ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई मीन, मुझे काम करना है. आई मीन, आई हैव जस्ट रिसेंटली गॉट अ प्रमोशन और मेरी बहुत अच्छी जॉब चल रही है. नहीं, ठीक है. होता क्या है ना कि देखो, शुरू जब आप काम करते हो तो बहुत एंथुजियास्टिक होते हो आप, बहुत अच्छा लगता है काम करने. बट यू नो, ठीक है, शादी के बाद मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरे डैड अच्छे कमाते हैं, मेरे भाई अच्छा कमाता है, इट्स ओके. छोटे मोटे प्रमोशंस देखो यार, होते रहते हैं. मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ और मेरे आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे लिए. आई मीन, I would want to work. It's okay, यार, लेकिन तुमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप घर पे बैठो, मम्मी है, भाभी है. But मैं क्या करूँगी सारा टाइम घर पे अकेले बैठ के? भाई, उनका हाथ बटाना, वो भी तो घर पे ही रहते हैं. मतलब हाथ बटाना, sit back, relax. We are there, not to worry. ऐसे you tell me, enough of me. Tell me about yourself. है मेरी भी एक हॉबी, ज्यादा हॉबीज नहीं है, बट एक हॉबी ऐसी है जिसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती. आई थिंक आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा. ओह, डेफिनेटली यार. देखो, इन छोटी छोटी चीजों से अगर तुम एडजस्ट कर लेती हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. पक्का? हाँ, पक्का. प्रॉमिस? 100%. एक छोटी सी हॉबी है. अरे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. हॉबी है कि मुझे पादना बहुत अच्छा लगता है. पियो पियो पियो, एंजॉय. Well, actually, you know what? मैंने पादना सुना अभी. बिल्कुल, मैंने भी वही बोला है. पादना, उसकी बड़ा मजा आता है. एक्सपीरियंस नहीं किया कभी तुमने? अब इसमें एक्सपीरियंस करने वाली कौन सी बात है? अरे करके देखो, मैं अभी अभी कर आई हूँ. फुल फ्रीडम यार, फुल फ्रीडम. कॉन्फ्रेंस के बीच में आ गया मुझे पादना. मैं क्या करती, उठ के तो जा नहीं सकती थी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा था. मार दिया मैंने एकदम लाउड एंड क्लियर. स्टिंकी फार्ट्स मुझे पसंद नहीं है बस, बट लाउड एंड क्लियर में जो मजा आता है ना, ओ माय गॉड, माय गॉड, अमेजिंग. या फिर तुम कोल्ड ड्रिंक पियो. थैंक यू. हाँ, जरूरत है. ऐसे एक्सप्रेशंस क्या हुआ यार, ऑफिस में बिना लोगों के ऐसे एक्सप्रेशंस थे, समझ नहीं आता. कि तुमने कभी अपनी मम्मी का बादवाद नहीं सुना? यार मम्मी का I don't remember. अच्छा चलो, मम्मी, भाभी, भाभी तो मार ही देती होंगी भैया भैया के सामने. भाभी, I don't know, वो तो अंदर चली आती होंगी. बट यार पापा, पापा तो आई एम श्योर यार, पापा तो मारते ही होंगे यार. सबके पापा मारते हैं, इतना तो कॉमन होता है घर में. वो पापा हैं, घर के बड़े हैं, तो यू नो मार सकते हैं. पापा मार. स्कूल में किसी लड़की का बात सुना है तुमने?
छोटे होते स्कूल के बाद लंच की बात तो यार छोटी मोटी फुसकी आई जाती थी यार, बच्चे होते थे ना लंच खा के आई जाती स्कूल में यार, राखी खाई डोंट रिमेम्बर है सच बट मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी लड़की को पाते हुए सुना ही नहीं है। Why are we talking about this? I mean, अगर ठीक है आता होगा तो कंट्रोल कर लेती होंगी यार। Exactly, कंट्रोल कर लेती होंगी। बस तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां अपनी फ्रीडम कंट्रोल कर लेती हैं। मैंने स्टार्टिंग में तुझे बोला था ना कि I don't like stinky fart. No one stinky fart for me, चोमू। मैं तो तुझसे शादी करूंगी नहीं, तो तू ढूंढ लियो अपने लिए कोई और बिना नौकरी वाली, ठीक है? ये ले कोल्ड ड्रिंक के पैसे।